नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप केबीसी 2022 के प्रतिभागी हैं और आपके पास केबीसी टीम की तरफ से आईवीआर कॉल आया हुआ था और कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी कि कट गया है, तो क्या वो दोबारा आपके पास कॉल आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आखिर कॉल जो है किस परिस्थिति में कटा है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, क्या आप कॉल को रिसीव किए थे उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है, या फिर कॉल आप रिसीव ही नहीं किए थे तब डिस्कनेक्ट हुआ है। ये दोनों का सिचुएशन और रूल और रेगुलेशन जो है अलग अलग है। अगर आप कॉल को रिसीव कर दिए हुए हैं और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है तो आपके पास दोबारा जो है केबीसी की तरफ से आईवीआर कॉल नहीं आने वाला है। लेकिन अगर कॉल आपके मोबाइल पर आया हुआ और किसी कारण से आप उसको रिसीव नहीं कर पाए तो बिल्कुल आधा घंटा के बाद जो है आपके पास कॉल किया जाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आता है। तो आखिर रूल और रेगुलेशन क्या है और किस तरीके से आईवीआर कॉल आपके पास आता है, वो हम आपको यहाँ पे बताते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि केबीसी टीम के द्वारा जो आपके पास कॉल किया जाता है तो वो रैंडमाइज कॉल होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉल किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आपसे फ़ोन पर बात नहीं करता है, उस रिकॉर्डिंग को पहले से जो है टारगेट करके सेट किया जाता है कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान जो है सॉफ्टवेयर आपसे वही चीज़ डिमांड करेगा। और टाइम भी सेट कर दिया जाता है कि एक बार अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो दोबारा रिपीट करता है और 4 सेकंड के अंदर अगर आप जवाब सबमिट नहीं करते हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। यानी कि ये सब जो प्रोसेस होता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा वहाँ पर वर्क करता है। साथ ही साथ पहले से हर प्रतिभागी के लिए, मान लीजिए अगर आपका नंबर जो है सेलेक्ट हो गया है, तो पहले से क्या किया जाता है, आपके लिए 3 क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया जाता है और वो कॉल पहले से प्रोसेस बनाकर सॉफ्टवेयर पे डाल दिया जाता है और टाइम फिक्स कर दिया जाता है। उस टाइम पे ऑटोमेटिक जो है आपके नंबर पे कॉल आ जाता है। तो इसका मतलब ये समझना कि जिस तरीके से आप किसी व्यक्ति को कॉल करते हैं तो उस तरीके से वहाँ पे कॉल नहीं किया जाता है, वहाँ पर पहले से जो है सेट कर दिया जाता है आपका हर इन्फॉर्मेशन, क्या क्या रेंडमाइज सॉफ्टवेयर के द्वारा आपसे डिटेल्स डिमांड किया जाएगा। और साथ ही साथ जितने प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल केबीसी में पहले 60,000 प्रतिभागी को चयनित किया जाना था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 1,12,515 कर दिया गया। तो 1,12,515 जो प्रतिभागी के पास आईवीआर कॉल आने वाला है, तो सभी प्रतिभागी के पास जो है आईवीआर कॉल के दौरान 3-3 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सभी प्रतिभागी का अलग अलग क्वेश्चन होता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आपका नंबर आज सेलेक्ट कर दिया गया है रेंडमाइज, तो पहले से आपके लिए प्रश्न जो है सेलेक्ट कर दिया जाता है, रिकॉर्डिंग हर चीज़ पहले से फिक्स होता है और कंप्यूटराइज टाइम सेट कर दिया जाता है। उसी टाइम पे जो है केबीसी टीम के द्वारा आपके पास ऑटोमेटिक कॉल आ जाता है और उसी को आप रिसीव करते हैं। चलिए, अगर आप रिसीव करने के बाद जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है तो आप पहले ही समझ गए हैं कि आपके पास दोबारा कॉल नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप कॉल को रिसीव ही नहीं कर पाए हैं तो फिर केबीसी के द्वारा जो कॉल सेट किया जाता है वहाँ पर आधा आधा घंटा के अंतराल में जो है 3 बार आपका कॉल सेट किया जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर के द्वारा काम होता है, कोई भी व्यक्ति बैठकर मैनुअली आपके पास कोई फ़ोन नहीं करता है, ये सब सॉफ्टवेयर के द्वारा पहले से सेट होता है। उसमें एक नंबर को जो है 3 बार सेट कर दिया जाता है, यानी कि हर आधा घंटा के बाद जो है आपका नंबर वहाँ पर सेट होता है। मान लीजिए पहली बार आपके पास फ़ोन आया और पहली बार आप रिसीव कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक जो सेकेंड और थर्ड होता है वो वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। और अगर पहली बार आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर आधा घंटा के बाद जो है आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करता है। वहाँ पर भी आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर आधा घंटा के बाद वो सॉफ्टवेयर आपके पास कॉल करता है और उसके बाद आप रिसीव करते हैं। लेकिन अगर 3 बार आप कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो फिर जो आपका डाटा है वो उस सॉफ्टवेयर से रिमूव हो जाता है, यानी कि हट जाता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि नेक्स्ट वो सॉफ्टवेयर जो है आपके पास कॉल नहीं करेगा। लेकिन ये तो रही अगर कॉल आपका वहाँ से हट जाता है, आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर जो है आपका वहाँ पे काम नहीं करेगा। लेकिन जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं कि ये तो आधा घंटा के अंतराल में फ़ोन किया जाता है, लेकिन कई बार प्रतिभागी के साथ ऐसा भी होता है कि अगर आज आपके पास आईवीआर कॉल आया और आज रिसीव आप नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे आपके पास कॉल किया जाता है। तो फिर ये किस आधार पर वर्क करता है सॉफ्टवेयर, वो हम आपको बता देते हैं। तो केबीसी टीम के द्वारा जो है आपके पास जो सॉफ्टवेयर के द्वारा कॉल किया जाता है वो सुबह 9 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक मोस्टली जो है कॉल प्रतिभागी के पास आ जाता है। जितने भी प्रतिभागी का सिलेक्शन होता है टाइम सेट 9 बजे से लेकर 6 बजे तक किया जाता है। अब वहाँ पे मान लीजिए अगर कोई आपके नंबर को जो है शाम को 5 बजे सेट किया हुआ है कि 5 बजे पहला कॉल आपके पास आने वाला है,
या फिर सपोर्ट है 6 बजे सेट कर दिया गया है कि 6 बजे सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके पास पहला कॉल कर दिया जाएगा, और अगर आप 6 बजे कॉल को रिसीव नहीं कर पाते हैं तो 6 बजे के बाद कॉलिंग लाइन जो है वो वहाँ पे स्टॉप कर दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपके पास फिर 6:30 बजे किया जाएगा या फिर आपके पास 7 बजे किया जाएगा। तो पहला जो कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो गया है, जिसको आप शाम को 6 बजे रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि नेक्स्ट डे जब फिर से कॉलिंग सुबह 9 बजे से आरंभ होता है, तो जो बचा हुआ 2 टाइम्स आपका समय अभी बचा हुआ है, सुबह 9 बजे आपके पास वो कॉल जो है ट्रांसफ़र कर देता है। और इस तरीके से प्रतिभागी के पास अगर एक दिन कॉल आया आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट डे आपके पास कॉल किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास दोपहर में कॉल आया है या फिर सुबह में कॉल आया है तो फिर 110% चांस है कि आपके पास कॉल जो है सेम डे ही आएगा। लेकिन अगर शाम के आपके पास कॉल आया है और अगर आप उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए हैं तो फिर आप नेक्स्ट डे का इंतज़ार आप कर सकते हैं KBC के द्वारा ज़रूर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है। एक पल के लिए आप मान सकते हैं कि हो सकता है इंसान जो है कॉल करना वहाँ पर भूल जाए, ये समझ में आता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पे टाइम सेट कर दिया गया है, जो 3 बार आपके पास ऑलरेडी जिस नंबर पे कॉल करने के लिए सॉफ्टवेयर पे सेलेक्ट कर दिया गया है, तो वहाँ पे कोई अगर मिस हो जाए ये वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए ये फिक्स है KBC टीम के तरफ से IVR के रूप में आपके पास 3 बार कॉल जाने ही वाला है। 3 बार में कोई भी कॉल अगर आप रिसीव कर लेते हैं तो बिल्कुल आप आगे पड़ाव के लिए जाते हैं, लेकिन अगर 3 बार में कोई भी कॉल आप रिसीव नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में ऑटोमेटिक जो सेलेक्ट किया हुआ नंबर है वो उस रैंडमाइज सॉफ्टवेयर से जो है हट जाता है, और उसके जगह पे, जैसा कि मालूम है कि अगर आप उस नंबर को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपका जो जगह वहाँ पे ब्लैंक हो रहा है उस जगह पे किसी और नंबर को सेट किया जाता है, और वहाँ पे फिर 3 टर्म जो है वहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया जाता है और फिर उस प्रतिभागी के पास कॉल किया जाता है। तो इसी तरीके से KBC टीम के तरफ से जो है आपके पास IVR कॉल आता है तो इसमें पहले ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर 23 अप्रैल को जो प्रश्न पूछा गया था तो 23 अप्रैल का कॉलिंग का लाइन शुरू हो जाता है 23 अप्रैल रात्रि 9 बजे से लेकर और 24 अप्रैल के रात्रि 8:59 तक ये कॉलिंग चलता है, और उसके बाद ही सिलेक्शन होता है। यानी कि 23 अप्रैल का अगर प्रतिभागी को रेंडमाइज सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर को 24 अप्रैल को शुरू किया जाता है, और फिर वहाँ पे 24 अप्रैल को रात में ही सारे प्रतिभागी के लिए अलग अलग जो है वहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर दिया जाता है और टाइम टेबल उस सॉफ्टवेयर पे सेट कर दिया जाता है, और उसी टाइम पे जो है ऑटोमेटिक वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करना शुरू कर देती है। तो अब उम्मीद करते हैं यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस कारण से आपका नंबर जो है वहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ है। अगर बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है तो फिर आपके पास दोबारा कॉल नहीं आने वाला है, और अगर आप उस कॉल को रिसीव ही नहीं किए हैं और फुल रिंग होकर वो रिंग ऑटोमेटिक जो है वहाँ पे कट गया है तो 2 बार और आप इंतज़ार कर सकते हैं, 2 बार ज़रूर KBC टीम की तरफ से आपके पास कॉल आएगा ही आएगा।